जनपद के कद्दावर नेता में स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के छोटे बेटे रजोल सिंह पर सदर 8 दिसंबर 2021 को कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली दलित युवती के परिजनों ने बेटी का अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था, मगर उन्नाव पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं 24 जनवरी 2022 में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर युवती की माता पिता ने लखनऊ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कार के सामने आत्महत्या का प्रयास किया तो मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। महिला ने तत्कालीन सीओ सिटी कृपाशंकर समेत सदर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूरे मामले की जांच शुरू हुई है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने एसओजी के अलावा 2 टीमों को खुलासे में लगाया है। पुलिस ने रजोल सिंह की हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोपी की निशानदेही पर 10 फरवरी को आरोपी के पिता के दिव्यानंद आश्रम के बगल की दीवार से सटे गड्ढे दलित युवती को दफनाया गया है, जिसका शव बरामद किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रजोल सिंह, बड़े भाई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह समेत 6 के खिलाफ अपहरण हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मार्च महीने में सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ राजोल सिंह की 3.18 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। शनिवार देर शाम एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह, सीओ सिटी आशुतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ दिव्यानंद आश्रम पहुंचे। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर बुनादी कराकर कुर्की का बोर्ड लगाया। पहले जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश दिनांक 30 जून 2022 के क्रम में रजोल सिंह और अरुण कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह, निवासी कल्याणी, थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 5 स्थलों पर लगभग 3,18,00,000 की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही उक्त आदेश के क्रम में की जा रही है।